अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट एडमिशंस। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। एक अफसर से उसका ये सवाल है कि LHB के ये जो रिसेंटली एडमिशन ओपन हुए थे, अब इसकी लिस्ट एंड डिस्प्ले होनी है, तो इसका मेरिट कितना हाई रहेगा इस बार, उसके हवाले से स्टूडेंट्स कंप्लीट रहनुमाई करूंगा आपकी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली तमाम तरह एडमिशन की, स्कॉलरशिप्स की, जॉब्स की अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। स्टूडेंट्स बात करें आपकी LHB के एडमिशन के हवाले से, स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था जिनके मैट्रिक में अच्छे नंबर है, उनका तो इंशाल्लाह एडमिशन जो है वो जरूर हो जाएगा। अब बात करें कि कौन से जो है जिन स्टूडेंट्स के कम नंबर है, क्या उनका भी एडमिशन हो जाएगा। स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है कि हमारे 700 नंबर है, हमारे 800 नंबर है, क्या हमारा भी एडमिशन हो जाएगा। स्टूडेंट्स उसके हवाले से आपको कंप्लीट रहनुमाई करूंगा आपकी। स्टूडेंट्स अगर हम लास्ट ईयर के मेरिट की बात करें तो लास्ट ईयर मेरिट जो है वो जो नर्सिंग स्कूल थे जो कि बड़े शहरों में थे, उनका मेरिट काफी हाई रहा था, तकरीबन 890 पे जाके क्लोज हुआ था बड़े शहरों में। लेकिन जो छोटे शहर हैं, जो कि छोटे जो है जो कि छोटे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें जो है मेरिट इतना हाई नहीं था क्योंकि उनमें कैंडिडेट्स ने कम अप्लाई किया था, तो उनमें जो स्टूडेंट्स मेरिट जो है वो लो था पिछली बार। लेकिन अगर हम बात करें इस बार मेरिट कितना होगा, तो स्टूडेंट्स इस बार भी मेरिट आपका जो है आपके कंपिटिशन पर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है कि कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया। अगर ज्यादा कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया होगा तो फिर स्टूडेंट्स कंपिटिशन हाई होगा और मेरिट भी हाई होगा। अगर कम कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया होगा फिर मेरिट लो ही होगा। एक्सपेक्टेड मेरिट के हवाले से स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं कि एक्सपेक्टेड मेरिट हमें बता दें। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें आपके जो बड़े शहर है जैसे कि मुल्तान है, लाहौर है, इसी तरह लिया, इन जैसे जो शहर है बड़े शहर, इनमें जो आपका मेरिट रहेगा वो थोड़ा सा हाई ही रहेगा। इनका मेरिट तकरीबन मेरे ख्याल में 880-870 तक आके क्लोज हो जाएगा। लेकिन बाकी जितने भी छोटे शहर है उनमें स्टूडेंट्स आपका मेरिट जो है वो लो ही रहेगा, उनमें स्टूडेंट 750 वालों का भी उम्मीद है कि एडमिशन हो जाएगा। तो आप तमाम स्टूडेंट जिन्होंने अप्लाई किया, स्टूडेंट्स आपका जो मेरिट बनना है वो मैट्रिक की मार्क्स की बेस पे ही बढ़ना है, FSC की बेस पे नहीं बढ़ना। तो स्टूडेंट्स आप जो है वो उम्मीद अच्छे की रखें, आपने जो है मेरिट लिस्ट तमाम चेक करनी है। जैसे जैसे इसकी मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी मैं आपको इसी चैनल में बताता रहूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी आपको इस चैनल में मैं इन्फॉर्म कर दिया करूंगा। आप तमाम स्टूडेंट्स से उम्मीद नहीं हारनी, चैनल के साथ कनेक्टेड रहना है। जैसे ही मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हुआ करेगी आपको बता दिया जाएगा, आपसे लिंक भी शेयर कर दिया जाएगा। आप तमाम स्टूडेंट चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा। बाकी उम्मीद है कि इस बार जो छोटे शहर हैं, छोटे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें आपका जो मेरिट है वो इंशाल्लाह लो ही होगा, उनमें स्टूडेंट्स उम्मीद है कि 800 तक मेरिट आ जाएगा। लेकिन मुल्तान में मेरिट काफी हाई रहेगा। स्टूडेंट्स मुल्तान के हवाले से काफी सारे पूछ रहे हैं। बाकी इसमें जो है कंपटीशन जो है काफी हद तक डाउन भी हो जाएगा। वो कैसे होगा कि काफी सारे स्टूडेंट्स ने LHB में मेल स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया होगा जिनको एडमिशन नहीं मिलना, क्योंकि ये फीमेल स्टूडेंट के लिए LHB का कोर्स है। तो स्टूडेंट्स आप परेशान ना हो, कंपटीशन जितना भी हो लेकिन मेरिट जो है वो नॉर्मल ही रहेगा। उम्मीद है कि इस बार जो है वो बहुत ज्यादा मेरिट हाई भी नहीं रहेगा, बहुत ज्यादा लो भी नहीं रहेगा, नॉर्मल ही मेरिट रहेगा। आप तमाम स्टूडेंट चैनल के साथ कनेक्टेड रहे, जो भी अपडेट्स आएंगे आपसे इसी चैनल पर शेयर की जाएंगे। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।